Hello everyone, let's start with matrices topic. We have already done the basics. Let's solve questions on matrices. Kya bol raha bhai? If a matrix has 16 elements, what are the possible orders it can have? Order of a matrix kya hota hai? Number of rows into number of columns, total number of rows into total number of columns is the order of matrix. Or agar aap ye actually multiply kar de, jo total number of rows ka number hai, एंड कॉलम्स का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई कर दे तो आपको जो मिलता है दैट इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये आप समझते रहे. लाइक अगर आप बोले कि ऑर्डर मेरा 3/2 है, फॉर एग्जांपल ऐसा मैंने बोला भाई तीन रोज और दो कॉलम्स है तो ऑर्डर कितना हुआ 3/2 हुआ. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. 3 2 6 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे एलिमेंट्स है. ये समझता है. तो इधर वो क्या बोल रहा है, अगर टोटल 16 एलिमेंट्स है तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, मतलब क्या होना चाहिए. जो भी ऑर्डर पॉसिबल है उनका मल्टीप्लिकेशन 16 होना चाहिए. 2 8 16, 8 1 16 नहीं होता तू मेरा आंसर नहीं है बीबी. 8 2 8 16, 8 2 16, 4 4 16, 1 16 16, 16 1 16, एक नंबर. अब आपको एक डाउट आता रहेगा, सर 2 × 8 एंड 8 × 2 आर दिस सेम मैट्रिसेस? नो. क्यों? 2 × 8 मतलब क्या, 2 रो 8 कॉलम, और 8 × 2 मतलब क्या, 8 रो 2 कॉलम. समझ में आ रहा है? सो दिस 2 आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो गारंटी माई आंसर इज बी, क्लियर है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ. ट्रांसपोज मतलब क्या, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देने का. लेट्स टेक अ डेमो. समझो मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिया. रेक्टेंगुलर मतलब क्या भाई, एवरी मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है. तो मैंने बोल दिया समझो 2 रो है समझो और 3 कॉलम है. ये दिख रहा है, इसका ऑर्डर 2/3 होगा, 2 रो 3 कॉलम, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. हाँ, इसका ट्रांसपोज लेते हैं. ट्रांसपोज तो क्या होगा, जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगे, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे. अरे हाँ या नहीं, ये दिख रहा है 3/2 हो गया, ठीक है. अगर तुम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है भाई. अरे आप समझ रहे हैं या नहीं. सो ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, क्लियर है. चले आगे. ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज, आपको ये समझता है राइट. रो मैट्रिक्स मतलब क्या भाई, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, 2 3 5, ये रो मैट्रिक्स है. हाँ, बिकॉज देयर इज ओनली 1 रो. इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे. तो आपको क्या दिख रहा है, जो रो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स होता है. आई नो इट्स ईजी बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू अगेन. सो रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स होता है. चल भाई आगे. टू मैट्राइसिस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट ए बी इफ, अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का बेसिक्स. दो मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जब इसका समझो इसका ऑर्डर लिया मैंने एम इंटू एन, इसका ऑर्डर लिया मैंने n into p फॉर एग्जाम्पल. ये दोनों तब ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब इसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू इसका टोटल नंबर ऑफ रोज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ b. दिख रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इज इक्वल टू रोज ऑफ b. बहुत बढ़िया. आर यू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन? पहले वाले का कॉलम्स शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले का रोज. बहुत बढ़िया. चल, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दिख रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट, सॉरी, इज इक्वल टू जीरो, आंसर सॉरी, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो नॉन सिंगुलर. बहुत बढ़िया, एक ऑप्शन येस. डिटरमिनेंट अगर जीरो है कोई भी मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है. चलिए, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, आपको ये अगेन कॉन्सेप्ट से क्विकली आंसर आ जाएगा भाई. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो खुद ही मिलता है. सो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं. सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या है, डायगोनल के जो ऊपर वो ही नीचे. डायगोनल पे कौन होना चाहिए, कोई भी हो सकता है भाई. तो इधर बोल दिया 2 4 5, मैंने बोला डायगोनल के ऊपर 3 तो बराबर डायगोनल के नीचे भी 3.
डायगोनल के ऊपर माइनस फाइव तो नीचे भी माइनस फाइव, इधर जीरो तो इधर भी जीरो, दिख रहा है? डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट सेम है, सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये समझो ए लिया मैंने, इसका मेरे को ट्रांसपोज लेना, तो आप क्या करेंगे, जो रोज है वो कॉलम्स बना देंगे, टू थ्री माइनस फाइव पहले कॉलम बन जाएगा, थ्री फोर जीरो कॉलम बन जाएगा, माइनस फाइव जीरो फाइव कॉलम बन जाएगा। क्या ये दोनों में क्या दिख रहा है आपको? सर ये दोनों एकदम डिट्टो है। अरे हाँ या नहीं, सो व्हाट यू अंडरस्टैंड, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप दिस इज क्लियर, आई नो यू नो इट प्रीवियसली फ्रॉम द बेसिक्स, बट स्टिल तो सही है भाई। इसका आंसर क्या है? ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्लियर? चल, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज एम इंटू पी, ए का ऑर्डर है m into p, ओके, एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b इज p into n, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, मतलब आपको किसका ऑर्डर चाहिए? a into b का ऑर्डर चाहिए। आपको क्या पता है a और b तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब ये दोनों इक्वल है, दिख रहा है? ये दोनों इक्वल है तो दे विल गेट मल्टीप्लाइड, और जो फाइनल मैट्रिक्स आता है ए और बी मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होता है? ये वाले नंबर्स होते हैं, पता है क्या? ये बाहर वाले हैं। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए? ए इंटू बी एम बाय एन इज द ऑर्डर, ये बाहर वाले। क्लियर? वेरी गुड, सो दैट्स माई ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट, ए एंड बी आर मैट्रिसेस, देन विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? अगर देखो ए और बी मैट्रिक्स है, ए ऑप्शन अगर अपन देखें, ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा ये इक्वल होगा, हमेशा। अगर ए प्लस बी का जो आंसर आ रहा है वो ही बी प्लस ए का आएगा हमेशा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए का ट्रांसपोज लेंगे तो हमेशा ए आएगा। आप कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए, उसका एक बार ट्रांसपोज निकालो, फिर से उसका ट्रांसपोज निकालो, तो दो बार ट्रांसपोज निकाल रहे तो ए ही मिलेगा। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। सी सी सी, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अपन ने ये किया है मालूम है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, इन मैट्राइसेस इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज दैट ए इंटू बी एंड बी इंटू ए विल बी इक्वल, दे आर टेक्निकली नॉट इक्वल। कुछ केसेस में इक्वल हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स, बट यूजुअली ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? भाई सी एकदम ट्रू है, समझ में आ रहा है? बाकी ये दो फॉल्स है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज इक्वल, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल। चल, वॉट इज ए इफ इफ दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स? तो सिंगुलर मैट्रिक्स की खास बात क्या है? डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए भाई? जीरो आना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? टू इंटू ए माइनस थ्री इंटू फोर, अरे हाँ या नहीं, आप ओरली कर सकते इसको कैलकुलेट ऑब्वियसली। टू इंटू ए टू ए, थ्री फोर जार ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व उधर जाके ट्वेल्व हो जाएगा, अरे हाँ या नहीं, तो ए कितना? ट्वेल्व अपॉन टू, मतलब सिक्स, ऑप्शन बी। क्लियर? ये क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई, टू ए माइनस ट्वेल्व इज जीरो, सो टू ए इज ट्वेल्व, तो ए इज सिक्स, कट आंसर। नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स आई स्क्वायर इज माइनस वन, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर आपने पढ़ा है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज, तो इसका मेरे को डिटरमिनेंट चाहिए जब आई स्क्वायर आपको दिया है माइनस वन। ओके, सो लेट्स फाइंड द डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, टू आई इंटू माइनस आई, आई एम डूइंग इन डिटेल, माइनस थ्री आई इंटू टू आई, चलिए चलिए टू, ये दिख रहा है प्लस इंटू माइनस, ये माइनस, टू आई इंटू आई आई स्क्वायर, इतना समझा, बीच में माइनस, थ्री टू जो सिक्स, आई इंटू आई आई स्क्वायर। नाउ अगर आपको पहले से नहीं भी पता तो क्वेश्चन में दिया आई स्क्वायर माइनस वन है, डाल दो ना, आई स्क्वायर की जगह माइनस वन, आई स्क्वायर की जगह माइनस वन, माइनस माइनस प्लस टू, माइनस माइनस प्लस सिक्स इज हाउ मच? एट, विच इज माई ऑप्शन? इधर एक चीज दिख रहा है ए सी सी डी, आई थिंक सो दिट शुड बी बी, और ये मेरा, क्लियर? ए बी सी डी ऐसी हो रहा है राइट, हमेशा ए बी सी डी, सो या डजेंट मैटर, बट स्टिल एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, क्या दिया है? एक मैट्रिक्स इंटू ए इज न्यू मैट्रिक्स, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, आपको ये ए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहिए। देखो इधर हो क्या रहा है, समझ रहे हैं? ये वाला मैट्रिक्स और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फाइनली ये मैट्रिक्स आ रहा है, आपको समझ रहे? अ मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू अ न्यू मैट्रिक्स,
ये क्या है बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है, ध्यान दीजिए। ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये वाला 3 रो 2 कॉलम तो 3/2 है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर। दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय ए, इतना क्लियर है। तो ए का भी तो कुछ तो ऑर्डर होगा, समझो मैं बोल देता हूँ m इंटू एन, मेरे को नहीं पता अभी के लिए, ठीक है। ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो 3 कॉलम तो 3/3 है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये दोनों मल्टीप्लाई कब होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई कब होंगे, जब ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम्स और ये दूसरे मैट्रिक्स का रो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अरे तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो कितना हुआ, आपने बोला सर m तो अवश्य 2 है, और आपको क्या पता है फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये बाहर वाले होते दिखता है क्या, और अपन को पता है ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर कितना, 3/3, तो ये 3 है तो इसको भी कितना होना चाहिए, 3, समझे क्या। फिर से फॉर दिस टू मैट्राइसेस टू गेट मल्टीप्लाइड, टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल, दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स टू टोटल नंबर ऑफ रोज पता नहीं था, m लिया तो m और 2 इक्वल होने चाहिए। और मेरे को क्या पता है, इफ आई मल्टीप्लाई टू मैट्राइसेस द फाइनल मैट्रिक्स दैट आई गेट हैज़ द ऑर्डर विच इज इक्वल टू व्हाट, पहले वाले का टोटल नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले का टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 into n शुड बी इक्वल टू 3/3, तो n 3। तो a का ऑर्डर क्या है, अपन ने m बाय n लिया तो 2/3, बी ऑप्शन दिखता है क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्लियर है, तो ये ओरली सॉल्व होता भाई, समझ रहा। चल, यूजिंग 12 टू 16 में ए बी सी ए यूज़ करना, और आपको जो जो चीज़ें वो फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करने बोला, पहले ए प्लस बी करना है, आप ओरली कर सकते हो आई नो, बट प्लीज़ ध्यान दीजिए, ए प्लस बी में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, कैसे, ए प्लस बी 2+1 3, -3+5 कितना 2, आगे 4+6 10, 5+-7 तो 5-7 इज -2, तो ए प्लस बी है, ये है कौन सा ऑप्शन, 3 2 10 -2, ए ऑप्शन दिख रहा है, 3 2 10 -2, क्लियर, यू कैन डू इट ओरली, राइट। चले आगे, सेम ए बी दिया, ए माइनस बी करना है, कैन वी सॉल्व, यस अगेन आई एम डूइंग, थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको, 2-1 1, -3 -5 -8 -3 -5 -8, 4-6 कितना -2, 5-7 5-7 इज 5+7 विच इज 12, इज दिस क्लियर, पक्का, कौन सा ऑप्शन, 1-8 -2 12, बी ऑप्शन दिख रहा है, आई होप दिस इज क्लियर, सब्ट्रैक्ट कर रहे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये दिख रहा है 2-1 1, -3 -5 -8, 4-6 -2, 5-7 is 5+7 which is 12. Next, 3a - c चाहिए, अभी ध्यान दीजिए, यू हैव टू फाइंड क्या, 3a - c, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 3 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, आई एम शोइंग यू इन डिटेल, डोंट वरी। चलिए, सबसे पहले 3 हर एक जन से मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं ना इसको, चलिए भाई, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, -2 5 3 4, नाउ यू कैन डू इट क्विकली, राइट, सब्ट्रैक्शन, 6-2 4, -9 -5 -14, 12-3 9, 15-4 11, कौन सा ऑप्शन है, 4-14 9 और 11, सी ऑप्शन दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम, 4-14 9 11, इज दिस क्लियर। चलिए सेम कंटिन्यू, एक और है शायद, अच्छा और दो रहेंगे, आपको क्या चाहिए, a इंटू v, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भाई अपना इजी है ये, अपन तो गाना भी गाते क्या, रो बाय कॉलम, क्लियर छे। चलिए ध्यान से, 2 into 1, मैं थोड़ा डिटेल में करूँ आपको बताने के लिए सिर्फ, -3 into 6, 2 into 5 और -3 into -7,
आप इतना डिटेल में नहीं कर रहे भाई. आगे 4 into 1 प्लस 5 into 6, 4 into 5 प्लस 5 into -7. तो बेसिकली आर जस्ट डूइंग रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, सिंपल. चलिए 2 1 2 -6 3 18, 5 2 10 माइनस माइनस प्लस तो ये 21, 4 1 4 प्लस 5 6 30, 5 4 20 माइनस आएगा प्लस इनटू माइनस माइनस 5 7 35. कौन सा ऑप्शन? -16 31 34 और ये -15. है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? -16 -15 31 34, ये अपना ऑप्शन है, दिखता है क्या? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज इम्पोर्टेंट, राइट? अब आपको b इंटू ए करना है. अब आप b और a को मल्टीप्लाई करेंगे. अब मैं फास्ट कर दूँ, ध्यान से आप चाहिए तो इधर, अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा है ऑर्डर में तो पहले b को लिख दो यार. 1 5 6 -7 और a 2 -3 4 5. आपको पता है b a इंटू b और b इंटू a इज़ नॉट इक्वल ना भाई, ध्यान से, नहीं तो आप बोले पिछला आंसर इधर टिक कर देते, है ही नहीं ऑप्शन. चलिए पहले b लिखा फिर a लिखा ऑर्डर में, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 1 2 2 प्लस 5 4 20. आगे 1 into -3 -3, 5 5 25. इतना क्लियर है? आगे 6 2 12 प्लस -7 into 4 -28, 7 4 28, नेगेटिव को ब्रैकेट में डाल दो. 6 into -3 इज -18, 6 3 18, -7 5 -35. समझा गया क्या किया? रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, क्लियर. 22, 12 -28 इज -16, 35 और 18 मतलब 55 में और दो कम -53. अरे समझ रहा है नहीं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है क्या मेरे पास? 22, 22 -16 -53, ए ऑप्शन दिख रहा है आपको? 22, 22 -16 -53, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन वही हो रहा है, दिख रहा है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन. चलो भाई ध्यान से, हाँ भाई, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम. ए इंटू ए, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी इज बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और बी इंटू बी बी स्क्वायर. बहुत बढ़िया, ये और ये हो गया. अब ये इसके साथ है, ध्यान से, ए इंटू बी ए बी प्लस माइनस बी इंटू ए इज माइनस ए बी. अल्फाबेटिकली लिखेंगे, माइनस बी ए नहीं लिखेंगे, माइनस ए बी लिखेंगे, दिख रहा है? ए इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू ए इज माइनस ए बी, सही. बी इंटू ए ए बी प्लस ए इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी. अरे जमरा के नहीं, ये और ये मल्टीप्लाई किया, ए बी इंटू ए ए बी, ए इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी. बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए ए स्क्वायर. अब आपको क्या दिख रहा है? इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, ये और ये कट हुआ जीरो, दिख रहा है? प्लस माइनस, हाँ, ये और ये कट हुआ जीरो. इसको ऑर्डर में लिख दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऐसा है क्या कोई ऐसा ऑप्शन मेरे पास? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है एक्सैक्टली सेम आंसर, समझ में आ रहा है? लुक, दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, बट डोंट बी स्केयर, ईजी है. आपको ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना है सिर्फ, डोंट बी स्केयर, हो जाएगा. देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको, प्लस माइनस 2ab, ये इतना क्लियर है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2bc, ये समझ रहे आप? सिर्फ दोनों मैट्रिक्स को अपन ऐड कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब आप क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा है क्या? आप थोड़ा इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आपको इतना सब नहीं करना है. ओरली देखिए फॉर्मूला बन रहा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर, खटाक. ये बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इज बी माइनस सी द होल स्क्वायर, ए प्लस सी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, जो भी ऑप्शन में दिख रहा है आंसर. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा तो. ये ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब ये क्या है? a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला. ये किसका फॉर्मूला है? b माइनस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला.
ये किसका a प्लस सी और ये a प्लस बी। देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन है, क्लियर विच ऑप्शन इज मैचिंग। पहले से इस पे फोकस करिए ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। a माइनस बी और b माइनस सी चाहिए मेरे को, a माइनस बी, b माइनस सी, यस ये दोनों में से कुछ है क्योंकि ऊपर वाले मैच हो रहे हैं। नीचे क्या है, ए प्लस सी ए प्लस बी, ओ हो यही एक मात्र ऑप्शन है। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा की पूरा इसमें मैच हो रहा है। अब ये भी वो क्या बोल रहा है, दिस इज द आंसर और दिस इज द आंसर, सो बोथ आर द सेम एक्चुअली। ये देखो यही अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, ये एग्जैक्टली है सी आंसर अपना, ये सी ऑप्शन है तो सी आंसर। आप समझ रहे हो पक्का, इज दिस क्लियर। सिर्फ एडिशन है यार, ये ओरली हो जाएगा इफ यू नो द फॉर्मूलास। एडिशन करना है, कितना ईजी दिख रहा है ये, एल प्लस माइनस पी विल बी एल माइनस पी, किधर है ऐसा ऑप्शन, ये एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है क्या, टिक समझे क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर रहे राइट, एल प्लस माइनस पी, सो एल प्लस माइनस पी विल बी हाउ मच, एल माइनस पी विच इज ओनली डी ऑप्शन, चेक कर लो ना, एम प्लस क्यू यस, एन प्लस आर यस, ओ प्लस एस यस, गारंटी डी, क्योंकि ये इधर ही फर्स्ट एलिमेंट नहीं खत्म कर दिया, स्मार्ट। अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से, रो बाय कॉलम, ए इंटू ए ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, आगे आगे ए इंटू बी ए बी, बी इंटू माइनस ए इज माइनस ए बी, क्लियर, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी ए बी, सेम ही है शायद क्वेश्चन अलग होगा, माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस ए इज माइनस ए स्क्वायर। ओ भाई थोड़ा वैरायटी है इधर, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से, ए बी माइनस ए बी कट तो ज़ीरो आएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कट तो ज़ीरो आएगा, ये दिख रहा है, पहले माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूँ, ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास, डू यू सी ए ऑप्शन एग्जैक्टली सेम। पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ा साइन का फर्क था आई गेस, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ध्यान दीजिए, पहले मेरे को बताओ इसका ऑर्डर कितना है, थ्री बाय वन है, दिख रहा है, तीन रो एक कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स है दिखता है, इसका ऑर्डर कितना, वन बाय फोर है भाई, एक रो चार कॉलम, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, हाँ ये दिख रहा है, वन और वन इक्वल है, और फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, ये तीन रो चार कॉलम, तो फाइनल मैट्रिक्स जो रहेगा उसका ऑर्डर थ्री बाय फोर रहेगा, समझ रहे कि नहीं आप, तो इधर वो इम्पॉर्टेंट है भाई, क्लियर है दिख रहा है आपको सब, तीन रो चार कॉलम, तीन रो चार कॉलम, तीन रो चार कॉलम, तीन रो चार कॉलम, पक्का ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर ये चीज़ें निकाल दो, सॉरी ये चीज़ें निकाल देता हूँ, यू नो फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर थ्री बाय फोर है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, वन थ्री ज़ा थ्री और कुछ है ही नहीं, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम फोर, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम फाइव, फर्स्ट रो इंटू लास्ट कॉलम सिक्स, क्लियर है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम टू थ्री ज़ा सिक्स, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू फोर ज़ा एट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम टू फाइव ज़ा, सेकेंड रो लास्ट कॉलम टू सिक्स ज़ा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, और फाइव सिक्स ज़ा, ये दिख रहा है फाइव सिक्स ज़ा थर्टी, समझा, इधर कुछ ऐड हो ही नहीं रहा बिकॉज हर एक रो कॉलम में एक एक ही एलिमेंट है, सो देर इज़ नो संभावना ऑफ गेटिंग एडिशन राइट। चलिए कौन सा ऑप्शन, थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स एट टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन दिख रहा क्या, पक्का, लेट्स गो अहेड। अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भाई, मजा आ रहा भाई, अब तो अपन तो पूरा गाने से सीखे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, लेट्स डू एक्स इंटू वन एक्स प्लस y into x is xy, clear clear, x into 2 2x plus y into y y square, समझो, ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आगे अब ये इसके साथ करो, x into 3 3x plus y into z yz, clear है पक्का। Now let's continue, ये इसके साथ 2 1 जा 2 plus 3 into x 3x, आगे ये इसके साथ
टू टू जा फोर प्लस थ्री इंटू वाई थ्री वाई आगे ये इसके साथ टू थ्री जा सिक्स प्लस थ्री इंटू जेड इज थ्री जेड विच ऑप्शन इज मैचिंग एक्स प्लस एक्स वाई बी ऑप्शन दिख रहा है एक्सैक्टली सेम आई थिंक सो यस एवरी एलिमेंट इज मैचिंग यस गारंटी बी आंसर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे पूरा गेम है भाई आगे अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ध्यान से भैया जी ध्यान से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन वन जा वन प्लस माइनस टू इंटू जीरो जीरो प्लस थ्री थ्री जा नाइन कितना टेन सबका फर्स्ट एलिमेंट टेन है तो भैया आगे करते हैं अपन वन थ्री जा थ्री प्लस माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस फोर प्लस थ्री जीरो जा जीरो ये कितना थ्री माइनस फोर माइनस वन एक मात्र ऑप्शन तो गारंटी मेरा ए आंसर है समझा दिस टर्नड आउट टू बी माइनस वन विच इज ओनली प्रेजेंट हियर आगे नहीं भी करेंगे दौड़ेगा आर यू अंडरस्टैंड बट लेट्स सॉल्व कर देते हैं ये इसके साथ वन फाइव जा फाइव प्लस माइनस ये दिख रहा है माइनस टू इंटू फोर इज माइनस एट प्लस थ्री फाइव जा फिफ्टीन कैन आई डू क्विकली नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट अब सेकेंड रो फोर वन जा फोर प्लस फाइव जीरो जा जीरो प्लस सिक्स थ्री जा एटीन आगे फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस फाइव टू जा टेन प्लस सिक्स जीरो जा जीरो आगे फोर फाइव जा ट्वेंटी प्लस फाइव फोर जा ट्वेंटी प्लस सिक्स फाइव जा थर्टी आगे ये वाला आप थर्ड रो सेवन वन जा सेवन प्लस एट जीरो जा जीरो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन एट टू जा सिक्सटीन प्लस नाइन जीरो जा जीरो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव एट फोर जा थर्टी टू नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव कैन यू एड अप क्विकली नाइन प्लस वन टेन ये मैच हो रहा है थ्री माइनस फोर माइनस वन मैच हो रहा है फाइव और फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी में से एट गया ट्वेल्व सही है फोर और अठारह बाईस बारह और दस ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी और थर्टी सेवेंटी सेवन और ट्वेंटी सेवन थर्टी फोर ट्वेंटी वन और सिक्सटीन थर्टी सेवन ये थर्टी फाइव और थर्टी टू कितना ये दोनों को ऐड किया तो सिक्सटी सेवन और फोर्टी फाइव बारह दस ग्यारह वन वन टू कटक आंसर बट एनी वेज अपन ने ये एलिमेंट देखते से ही खत्म कर दिया था भाई आई होप यू अंडरस्टैंड ये एलिमेंट देखा अपन ने जो सिर्फ इसके साथ मैच हो रहा है हेंस ए वॉज द करेक्ट आंसर स्टिल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अपना पीछा नहीं छोड़ेगा इसका ऑर्डर टू बाई थ्री इसका ऑर्डर टू बाई थ्री इसका ऑर्डर थ्री बाई टू मल्टीप्लाई होंगे यस और फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर टू बाई टू एवरी ऑप्शन इज टू बाई टू लेट्स चेक माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन थ्री थ्री इज नाइन माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री नाइन माइनस वन इंटू जीरो इज जीरो थ्री वन जा थ्री डू यू वॉन्ट टू चेक इन दिस टू एलिमेंट्स ये माइनस सेवन नाइन माइनस सेवन इज टू ये दिख रहा है नाइन माइनस सेवन इज टू तो सिर्फ ये एलिमेंट सिर्फ इसके साथ मैच हो रहा है बी आंसर कर देते हैं आगे माइनस वन टू जा माइनस टू प्लस जीरो वन जा जीरो प्लस टू थ्री जा सिक्स माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज थ्री ही ये दिख रहा है माइनस माइनस प्लस हाँ जीरो जीरो जा जीरो प्लस टू वन जा टू चलिए ये कितना टू मैच हो रहा है नौ और तीन बारह मैच हो रहा है सिक्स माइनस टू फोर थ्री प्लस टू फाइव गारंटी आंसर बी नेक्स्ट इफ ए इज दिस बी इज दिस फाइंड ए बी डज बी ए एग्जिस्ट एक तो बोल रहा है फाइंड ए बी तो ए बी फाइंड कर सकते हैं आप ऑप्शन में जरूरत नहीं है डज बी ए एग्जिस्ट वो पूछ रहा है तो सबसे पहले देखो ऑप्शन इफ यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है ए बी एग्जिस्ट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट ए बी नॉट एग्जिस्ट बी ए एग्जिस्ट बोथ ए बी बी ए एग्जिस्ट नन ऑफ दिस एग्जिस्ट मतलब क्या इन शॉर्ट ए इंटू बी और बी इंटू ए यू आर डूइंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कब होगा जब वो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे वैन दे विल बी कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वॉट डू यू मीन बाय दैट उनका रोज कॉलम्स का वो अंदर वाला सेम है कि नहीं चेक करना पड़ेगा देख ध्यान दे ए इंटू बी मेरे को करना है ठीक है सबसे पहले ए इंटू बी अगर करना है ए का ऑर्डर क्या है दो रो तीन कॉलम है अरे हाँ या नहीं बी का सीन क्या है बी का तीन रो चार कॉलम है दिखता है
मेरे को बताओ a इंटू बी मल्टीप्लाई होंगे क्या? ओ यस, अंदर वाले सेम है तो दे विल बी मल्टीप्लाइड, देयर फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर विल बी 2 × 4, बराबर। तो a इंटू बी होंगे। नाउ लेट्स चेक अबाउट b इंटू a। b का ऑर्डर आपने क्या बोला? 3/4, और a का ऑर्डर आपने क्या बोला? 2/3। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे b इंटू a? ये दिख रहा है 4 और 2 इक्वल नहीं है, समझे कि नहीं? तो b इंटू a एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज b और a मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, बिकॉज ये अंदर वाले नंबर सेम नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ए बी एग्जिस्ट, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, विच ऑप्शन इज दैट? ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ए दिया है, बी दिया है, अगेन इधर सेम चीजें बोली है, आपको इधर थोड़ा चेक करना पड़ेगा एक्चुअली। पहले तो देखो ए बी एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट वाली बातें करना है तो कर सकते हैं 2/4, 4/2। अब आप बोलेंगे एक्चुअली आंसर ए होना चाहिए, बट कभी कभी ए बी और बी ए इक्वल हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, सो वी विल हैव टू फाइंड इट, एक्चुअली करना पड़ेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्या? हाँ जी, अंदर वाले सेम है तो a इंटू बी तो आ जाएगा, a इंटू बी का ऑर्डर होगा 2/2, समझ रहे? पक्का? आगे आगे। अब अगर आप b इंटू ए की बात कर रहे हैं, b इंटू ए की, b का ऑर्डर कितना है? 4/2, अरे हाँ या नहीं, और a का ऑर्डर कितना है? 2/4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? a इंटू बी का ऑर्डर 2/2 है, क्यों? 4/4 इक्वल, तो बाहर के दो इक्वल, हाँ मतलब बाहर का ऑर्डर होगा 2/2। अगर मेरे को b इंटू ए करना है, b का ऑर्डर 4/2, a का ऑर्डर 2/4, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अरे हाँ, इसका ऑर्डर कितना आएगा? b इंटू ए का ऑर्डर कितना आएगा? 4 × 4 आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट्स द पॉइंट? a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, b इंटू ए भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ab और ba दोनों एग्जिस्ट करता है, मतलब ये और ये आंसर नहीं हो सकता। अब आपको लेकिन एक चीज़ क्या देखनी है, ए बी बी ए इक्वल है कि नहीं इक्वल है, मतलब नहीं इक्वल या इक्वल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? सॉल्व करना है इधर, जरूरत नहीं। क्यों? ए इंटू बी का ऑर्डर कितना? 2/2, मतलब दो रो दो कॉलम, बट बी इंटू ए का क्या? 4 रो 4 कॉलम, कैसे इक्वल हो सकते हैं यार? 2/2, 4/4 नहीं इक्वल हो सकते। तो गारंटी आंसर क्या है? इन केस लेट्स अज्यूम इसका ऑर्डर 2/2 आता, इसका भी 2/2 आता, तो मेरे को एक बार दोनों को सॉल्व करके चेक करना पड़ता। मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि तू हमेशा नॉट इक्वल है, यूजुअली इट्स नॉट इक्वल, बट अब इधर नंबर्स दिए हैं तो वी विल हैव टू सॉल्व। इधर क्यों नहीं करना पड़ा? तेरा ऑर्डर 4/4, तेरा ऑर्डर 2/2, तो तुम तो अवश्य इक्वल नहीं हो। ए दिया है, आई स्क्वायर आपको दिया है, क्या क्या निकालने बोला? ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालने बोला है, दिखता है क्या? ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए इंटू ए से ए स्क्वायर आएगा, ए कितना है? चल भाई फटाफट, 0 आए, 0 है, फिर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये समझता राइट? ए इंटू ए विल गिव मी ए स्क्वायर, चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, 0 × 0, 0 प्लस आई इंटू आई, आई स्क्वायर, 0 × i, 0, i × 0, 0, ध्यान से, i × 0, 0 प्लस 0 × i, 0, i × i, i² प्लस 0 × 0, 0। अब क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, 0 + 0, 0, 0 + 0, 0, 0 + i² और i² कितना है? -1, i² + 0, i² कितना है? -1, ये किसकी वैल्यू आई? ए स्क्वायर कौन मैच कर रहा है? ये सिर्फ बी ऑप्शन मैच कर रहा है, दिखता है क्या? खटाक। फिर भी चलो एक बार अपन ए क्यूब निकाल लेंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं। ए क्यूब आप कैसे कर सकते हो? a × a × a, बट a × a विच इज़ a² वी हैव ऑलरेडी डन, तो आप क्या बोल सकते हो? a² × a, आप a² भी बोल सकते हो क्योंकि मैट्रिक्स सेम है ना, सो a² × a और a² सेम होता है व्हेन मैट्रिक्स इज सेम, ओके, मतलब a के साथ ही कर रहे हैं इसके लिए। a² कितना है अपना, ये सेम कॉपी कर दे, -1, 0, 0, -1, और a कितना है? a 0, i, i, 0, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 0, 0 प्लस 0 × i, 0, ओके, -1 × i, -i प्लस 0, 0, 0,
जीरो 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 प्लस माइनस वन इंटू आई माइनस आई जीरो इंटू आई जीरो प्लस माइनस वन इंटू जीरो इज जीरो। फाइनली आंसर क्या आ रहा आपको, जीरो ये कितना माइनस आए, ये कितना माइनस आए और ये कितना जीरो है। क्या ये सेम मैच हो रहा, यस। सो ए स्क्वायर ई क्यूब अपन ने दोनों किया, ऑल दो ए स्क्वायर देखते से वी गॉट द आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, फाइंड द एलिमेंट्स सी टू थ्री सी थ्री टू सी थ्री वन इन द प्रोडक्ट सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो आपको ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है, करेंगे अपन, बट सी कौन सा मैट्रिक्स है जो ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके आए, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर जाके आपको ए इंटू बी भी चेक करना है कौन है, और वो तीनों एलिमेंट्स भी चेक करना है। ठीक, ध्यान दे, कोई टेंशन नहीं, लेट मी डू देन यू अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली, डोंट वरी। ए इंटू बी करना है, ध्यान से रो बाय कॉलम करें, टू वन जा टू प्लस, थोड़ा इधर लिख दो क्या, टू वन जा टू प्लस थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री प्लस फोर जीरो जा जीरो। इतना क्लियर है सबका, फर्स्ट एलिमेंट माइनस वन है तो वी विल हैव टू कंटिन्यू, राइट। कौन सा एलिमेंट डिफरेंट है आप देख पा रहे हो क्या, कभी कभी पॉइंट ऑफ चेक वो हो सकता है यार, मतलब जैसे यार अगर आप देख रहे हो तो ये वाला एलिमेंट इसमें जीरो जीरो इसमें माइनस टू है, तो आप डायरेक्ट वो भी चेक कर सकते हो, उससे आपको क्विकली समझ में आएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन है या नहीं, या तो आप नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो। एक बार ये ऑप्शन चेक करना, जस्ट एक बार देख लेते हैं ये इसके साथ, ध्यान दो, वन वन ज़ा वन प्लस वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन प्लस टू जीरो ज़ा जीरो, तो कितना आ रहा है ये जीरो आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं बट ये तीन हो सकता है। एनीवेज ऑप्शन कर लेते हैं क्विकली यार, ठीक है। ये इसके साथ अभी टू थ्री ज़ा सिक्स, आई होप आपको समझा मैं क्या बता रहा था, थ्री टू ज़ा सिक्स फोर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, चल भाई क्विकली, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो प्लस थ्री वन ज़ा थ्री प्लस फोर टू ज़ा एट, आगे वन वन ज़ा वन प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, आगे वन थ्री ज़ा थ्री प्लस टू टू ज़ा फोर प्लस थ्री ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो प्लस टू वन ज़ा टू प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स, ये तो अपन ने कर दिया था। आगे वन थ्री ज़ा थ्री प्लस वन टू ज़ा टू प्लस टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो प्लस वन वन ज़ा वन प्लस टू टू ज़ा फोर, लेट्स ऐड देम अप, तो क्या आ रहा है, माइनस वन ज़ीरो, ओहो सब तक सेम ही है सब, सेवन सेवन फाइव ट्वेल्व सेवन फाइव ट्वेल्व सेवन फाइव, ये भी ऑप्शन चलेगा, ये दोनों में से ही कोई तो है, कौन सा है, ये दोनों सेम है, फ़र्क क्या है, ये एलिमेंट्स में फ़र्क है दिखता है क्या, तो भाई मैट्रिक्स तो यही आंसर आ रहा, देख एट और थ्री इलेवन, टू और सिक्स एट और फाइव। नाउ अपन को चाहिए क्या, देखो ये दोनों मैट्रिक्स एकदम सेम है जो अपन को चाहिए, सो आंसर ए और सी में से ही कुछ तो दिख रहा है, दिस इज एग्जैक्टली सेम, ओके सर। अपन को क्वेश्चन ने क्या मांगा है, फाइंड ये जो मैट्रिक्स है ये सी मैट्रिक्स है, समझा क्या, ए इंटू बी इज एक्चुअली सी, सो ये सी मैट्रिक्स है, मेरे को अब चाहिए क्या, सी टू थ्री, व्हाट डू यू मीन बाय सी टू थ्री, सेकेंड रो थर्ड कॉलम दिख रहा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो कितना है एट, तो सी टू थ्री इज एट, ये आपको समझ है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट एट है, तो सी टू थ्री मेरा एट है, ये दोनों में भी वो सेम है, ठीक है ना, अपन समझ रहे, कोई टेंशन नहीं। आगे नेक्स्ट क्या चाहिए, सी थ्री टू मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम इज फाइव, तो सी थ्री टू इज फाइव, ये दिख रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट और क्या मांगा, सी थ्री वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ज़ीरो है, तो मेरा ये सी थ्री वन है, मैच हो रहा है दिख रहा है, गारंटी बी इज द आंसर, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये जो सी टू थ्री थ्री टू थ्री वन क्या था समझा, वो एलिमेंट की बात कर रहा था। यूजिंग मैट्रिक्स क्रैमर्स मेथड, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन में, क्रैमर्स रूल क्या बोलता है आपका, व्हाट इज एक्स, आपने ऐसा किया रहेगा अगर आपको याद है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट, इसको अपन डेल्टा भी बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स का वैल्यू वन दिया है और डेल्टा कितना दिया है आपको वन, तो एक्स मेरे को वन आया, वाई कितना, सेम भाषा में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा वाई कितना है माइनस वन अपॉन वन विच इज़ माइनस वन, और जेड कैसा आएगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, डेल्टा जेड वन, वन अपॉन वन इज़ वन, वन माइनस वन वन, कौन सा ऑप्शन है,
सी ऑप्शन है, दिख रहा है। नेक्स्ट, आपको तीन इक्वेशंस दिए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड यूजिंग क्रैमर्स रूल इज। अब सबसे बेस्ट ये इक्वेशन वाले टॉपिक जैसा रिवर्स ट्रिक कर ले, आप क्यों पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे भाई। रिवर्स ट्रिक में आप क्या बोलेंगे, ए और सी ऑप्शन चेक करेंगे, बरोबर। इनकंसिस्टेंट देखेंगे अपन, डोंट वरी। सबसे पहले ए और सी आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, अगर ए और सी आ गया तो लोड ही नहीं इनकंसिस्टेंसी का, समझ में आ रहा। इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या, ये तीनों का सोल्यूशन आ नहीं सकता। चलिए भाई चेक करते हैं रिवर्स ट्रिक से, मेरे ऑप्शन मेरे माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, इसमें रिवर्स ट्रिक करके देखे, ए ऑप्शन डालते भाई, ए ऑप्शन एक्स के जगह वन डालते लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान से, फोर वन जा फोर माइनस, वाई के जगह माइनस वन, तो फाइव इंटू माइनस वन इज माइनस फाइव, बाहर माइनस रखा है मैंने, माइनस, जेड के जगह वन टू वन जा टू, कितना आ रहा है, फोर प्लस नाइन सॉरी फोर प्लस फाइव माइनस टू इज नाइन, माइनस टू इज सेवन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आंसर नहीं है, ध्यान से ध्यान से, बी 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 सॉरी बी नहीं सी चेक कर रहे अपन, एल एच एस, एक्स के जगह वन, फोर वन जा फोर माइनस फाइव, वाई के जगह फिर माइनस वन, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है यार, चेक करने ऐसा नहीं है, ए आंसर नहीं है तो सी भी नहीं हो सकता, मे बी क्या कर रहा हो क्या पता, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट, ए एंड सी कोइंसिडेंटली आर सेम ऑप्शंस, सो नहीं है वो दोनों आंसर। अब अपन को चेक क्या करना है, इनकंसिस्टेंट है या नहीं। क्रैमर रूल में अपन ने देखा है इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब डिटर्मिनेंट जीरो आए और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये तीनों में से कम एक शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, अरे हाँ या नहीं, तब वो इनकंसिस्टेंट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए और एक्स वाई जेड के तीनों में से एक को तो एटलीस्ट नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो वही कर रहे हैं अपन। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है या नहीं, पहले वो चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सब एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लेने का, तो डेल्टा ये ऐसे ही आएगा, फोर माइनस फाइव माइनस टू, ध्यान से प्लीज, फिर टू टू वन टू टू एट, इतना क्लियर है। आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते, अगर जीरो आया तो फिर और चेक करना पड़ेगा भाई इनकंसिस्टेंट है या नहीं। आई यू अंडरस्टैंडिंग, अगर ये जीरो नहीं आया तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट है, मतलब ए सी और बी आंसर नहीं, नन ऑफ दिस आएगा। लेट्स चेक क्विकली, माइनस माइनस फाइव टू वन टू एट, प्लस माइनस टू 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 टू, चल भाई क्या हो रहा, एट टू ज़ा सिक्सटीन माइनस टू वन ज़ा टू, माइनस माइनस प्लस फाइव, एट टू ज़ा सिक्सटीन माइनस टू माइनस टू, टू टू ज़ा फोर माइनस फोर, ये तो ज़ीरो हो गया, ये पूरा ज़ीरो हो गया, इधर इधर सिक्सटीन माइनस टू फोर्टीन इंटू फोर, फोर इंटू फोर्टीन आएगा, प्लस फाइव इंटू फोर्टीन आएगा, ये ज़ीरो हो गया, फोर माइनस फोर ज़ीरो, फोर ज़ीरो इंटू टू इज़ ज़ीरो, ये दोनों ऐड होके जीरो बनेंगे क्या। सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये इनकंसिस्टेंट तो आवश्यक नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। आई अंडरस्टैंडिंग, रिवर्स ट्रिक से ये मालूम पड़ गया ए सी इधर कोइंसिडेंटली सेम था, सो ए सी आर नॉट द ऑप्शंस। इनकंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले मैंने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, ये डेल्टा निकाला, अगर वो जीरो आता तो इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस हो सकते थे, वो भी नहीं है। नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज जीरो, यू हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड, रिवर्स ट्रिक बेस्ट तरीका यार। ये बेसिकली ये क्वेश्चन इसमें इसलिए दिया है, एक्सपेक्टिंग इट्स क्रैमर्स रूल वाला क्वेश्चन, वी डोंट वरी अबाउट इट। एक्स प्लस वाई माइनस वन आना चाहिए, तो चेक कर ले फटाफट कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ध्यान दीजिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एक एक देख लेते इक्वेशंस, वैसा भी ठीक है। एक्स प्लस वाई माइनस वन प्लस जीरो, ओ यस, ये दिख रहा है, माइनस वन प्लस जीरो इज माइनस वन, सेटिस्फाइड। वन प्लस जीरो माइनस वन नहीं होगा, वन प्लस जीरो माइनस वन नहीं होगा, माइनस वन प्लस जीरो ये होगा, तो ए और डी में से कोई तो ऑप्शन है। चल भाई, तो ये और ये नहीं है, तो ए और डी चेक करेंगे, पहले ए कर लेते हैं पूरा। चलो वाई प्लस जेड वन आना चाहिए, जीरो प्लस वन, वन आ रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट, जेड इज वन, इधर इधर जेड प्लस एक्स चाहिए मेरे को, जेड मेरा वन है,
एक्स मेरा माइनस वन है। ओ, तीनों ने भी सेटिस्फाई कर लिया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रिवर्स ट्रिक, रिवर्स ट्रिक। क्या चाहिए? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, डैश मतलब समझता रे, ए डैश का डैश मतलब इज व्हाट ए, अपन ने ये प्रॉपर्टी सीखी है याद है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज द सेम मैट्रिक्स। तो इसका ये इसका अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा, तो आंसर विल बी व्हाट, समझ रहे हो? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज एक्चुअली द सेम मैट्रिक्स ए, ऑप्शन ए। प्रॉपर्टीज, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, आपको ये सॉल्व करने बोला है, ध्यान से सॉल्व करिएगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड, ये मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और 18 आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये तीन चीज़ों की आप ध्यान देंगे इधर, बस फिर हो जाएगा आंसर। 2 × x, 2x, 2y, 2z और 2p, इतना क्लियर है आपको? माइनस बाहर रखता हूँ मैं, सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर रहा, आई विल सब्ट्रैक्ट इट लेटर, करेंगे वैसा। 9 × −2 − 18, 9 × 3 = 27, 9 × 1 = 9 और 9 × 0 = 0, और 18i मतलब 18 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये समझा क्या? इनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्विकली, क्या आएगा? 2x − − +18 हो जाएगा, इधर 2x − −18, 2x + 18, 2y − 27, 2z − 9, 2p − 0 = 2p, और इधर क्या हो रहा है? 18 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 1 = 18, 18 × 0 = 0, 18 × 0 = 0, 18 × 1 = 18। नाउ वी विल बी यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे अगर आप इधर किसकी वैल्यू मांगी आपको, एक्स जेड की ही मांगी है, तो उतना ही करते हैं ना अपन। ये देखो, इधर से आपको एक्स मिल जाएगा और इधर से आपको जेड मिल जाएगा। चलिए इक्वेट करेंगे अपन, 2x + 18, ओ सॉरी, 2x + 18 इज इक्वल टू 18, तो 2x कितना आया? 18 कट, 2x आया 0, तो x 0 आया। कौन से ऑप्शन में x 0 है भाई? इसमें भी है, इसमें भी। अब z की बात करते हैं क्या, 2z − 9 कितना? 0, तो 2z कितना? 9, तो z कितना? 9/2, 0 और 9/2 कौन सा ऑप्शन है भाई? सी, इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट किए। कब इक्वेट कर सकते हो? जब दोनों साइड एक ही मैट्रिक्स हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो। दिस इज अ डैश मैट्रिक्स, क्या दिख रहा है आपको? ऊपर एलिमेंट, नीचे एलिमेंट, एक दूसरे का इनवर्स, ये इनवर्स, ये सेम नहीं है, तो ये देखो पॉइंट ऑफ चेक क्या हो सकता है मालूम है? आपने एक चीज़ क्या देखी, ऑप्शन क्या है? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नल और नन ऑफ दिस। नल मैट्रिक्स तो पक्का नहीं है क्योंकि सब जीरो होने चाहिए। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? इधर 3 है तो ये -3 है, तो सिमेट्रिक नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सबसे मेन एक चीज़ क्या है? डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, ना ये नल है, ना सिमेट्रिक, ना स्क्यू सिमेट्रिक, तो नन ऑफ दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का ए इज डैश, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आवश्यक नहीं है, ऊपर 10 नीचे 3, आइडेंटिटी में 1001 होना चाहिए। आपको क्या चेक करना है? सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट, लेट्स डू दैट। तो आपने क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा? 6 × 5 = 30 − 10 × 3 = 30, तो कितना आया? 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, मतलब तू कैसा मैट्रिक्स है? तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इधर अपना मैट्रिसेस का एक्सरसाइज ख़त्म होता है। आई होप आपको सब चीज़ें एकदम अच्छे से समझी है। प्लीज़ प्रैक्टिस, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू रिमेंबर द सॉन्ग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।